तो जी हमारे घर में मैकेनिक आ चुके हैं और दो साइकिल खोल कर रख दी, एक तो यह और एक वह। वह तो है मयंक की और यह है आदि जी। कान में दे रहा माचिस। कान में माचिस नहीं देते बेटा। वो बिल्ली प्लेट थी इनकी, कौन सी वापस नीचे चला गया। वार्सल बोलते हैं उसको। वार्सल आई भैया को देव। क्यों खोल ली तुमने साइकिल नो बताओ। हाँ दिमाग खराब होता हमारा। हाँ बहुत मारे गए, देख ले बच ले। इन्होंने मैकेनिक को ना पूरा दिखा रखा। हाँ बेटा फोन नहीं देखते बच्चे पढ़ाई करे। अन्नी इनकी तरह मैकेनिक बना कर देख जैसे यहाँ बन गए दोनों। एडमिशन हो गया हो तेरा इसका तो होगी कि। अच्छा वो दे रहा था। तो मयंक भी आदि के स्कूल में जाया करेगा, अब ये सब साथ जाया करेंगे। पैदल जाना पड़ा करेगा। और यो तो चावे साइकिल में भी चल जाए। नहीं मम्मी अरे वो तो मुझे ना वो पैर चल जाए मेरी पता नहीं है। वो मयंक नहीं करी क्या साइकिल तैयार। अच्छा चाहे तो ले भी सके किसी दिन तो जाए नहीं। हाँ बेटा किसने तोड़ी कौन है यो इन्होंने तोड़ी है साइकिल। इन्होंने दोनों भाइयों ने साइकिल तोड़ दी है। इसकी चैन चढ़ाएगा मैं अंक चैन तो चढ़ जाए सेकंड के अंदर ढीली चैन इसके बस बस एक टाइट होनी चाहती। मतलब एक चैन का काट दो। तो देखे जी हम गए थे हॉस्पिटल में, तो हम यहाँ पर घूमने के लिए गए थे फिर हॉस्पिटल के बाद में। देखो यहाँ का कितना अच्छा व्यू है, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं और पार्क भी बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमकर। हैं तेरे को तो आगे चलानी है। परी चलाने दे ना। ओ देख ओ इतनी नहीं आती हो, इतनी नहीं आती तेरे पर आने। नहीं बांधना जावे सड़क में आदि। सुनाई नहीं दे रहा साइकिल लेकर ना जावे बाहर का जा रहे। तो ये देखिए जी मैं आदि को बाहर चलाई थी क्योंकि मैं सड़क पर अभी साइकिल चलाने नहीं देती। अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ साइकिल चलाने में। और यहाँ पर रवे के पापा जी कर रहे थे घास पशुओं को, ये देख सकते हैं आप। और हमारी मशीन ना ख़राब हो गई है, मतलब इसके जो गडासे हैं वे सही नहीं चलते, पत्ता दे रहे। और इधर माँ गोबर उठा रही थी और ये घास कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप। और उधर हमारी जेठानी जी लगा रही थी झाड़ू। और ये देखो आदि कितनी मस्ती में है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रखी थी आदि ने। तो ये देखो ये बार बार इसकी साइकिल उठा लेता है और ये मना करता है कि तू मेरी साइकिल मत चला, लेकिन ये मानता नहीं फिर भी। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए जी सुबह के टाइम मुझे यहाँ पर दूध निकालना पड़ गया था आज बहुत काफ़ी टाइम बाद। और मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था
क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है और चक्कर भी आते हैं। लेकिन यह है कि माँ की भी तबीयत ख़राब हो रही थी आज, इसलिए मुझे दूध निकालना पड़ा। और दूध निकालते निकालते मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे, और फिर भी मैंने दूध निकाल दिया था। और दूध निकालने के बाद मैंने करा अपना बाकी का कार्य, जो कि आपको आगे भी लोग में देखने को मिल जाएगा। देखिए जी, यहाँ पर डॉक्टर आ गया था बोतल लगाने के लिए माँ के, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथ पैरों में, और असलियों में भी बोल रही थी कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने आज बोतल लगाई थी, ये देख सकते हैं आप। तो जी, यहाँ पर कुछ इंजेक्शन डाल रहे थे डॉक्टर साहब दर्द के, और जो भी ताकत वगैरह के डालने थे, तो दो तीन इंजेक्शन डाल रहे थे इसमें ग्लूकोज में। उसके बाद डॉक्टर तो चले गए थे पत्ता लगा कर, फिर उसका पूरा ध्यान दिया था मैंने प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो यहाँ पर दीदी आ गई थी, जो कि माँ की बोतल बंद कर दी थी इन्होंने। और फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बोला था कि माँ के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप घर आकर एक बार देख लो। ये देखो, यहाँ पर बोतल बंद कर रही थी, और माँ देखो कैसे दर्द में तड़प रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रे व्यापार ब्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रहे हैं हमारे ब्लॉग में। तो ये देखिए जी, हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है, और घर की साफ सफाई मैंने कर दी है, झाड़ू पोछा, और अब बनाएंगे हम खाना। तो मैं किचन में आ गई थी, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा, ये हर रोज मांगता है कि मुझको चीनी चाहिए, तो चीनी बहुत खाता है, लेकिन मैं अब इसको दूंगी नहीं। तो ये थोड़ा गुस्सा कर रहा है अभी, देखो कैसे मांग रहा है, नहीं बेटा चीनी नहीं खाओ करते। और इधर हमारी सासू माँ की हो रही है तबीयत खराब, तो उनका लग रही है आज बहुत, और जो कि आपको भी लोग में देखने के लिए मिल जाएगी। और इधर मैंने कढ़ाई में रख लिया था दूध, तो आज मैं निकाल लूंगी मावा, या तो मावा निकाल लूंगी या फिर पंजीरे निकालूंगी, अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन करूंगी अभी भी, देखते हैं टाइम के अनुसार, क्योंकि मेरी हालत भी थोड़ी डाउन है ना, जब देर बैठा जब तक कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, इसीलिए मैं अपनी सेहत के अनुसार ही बनाऊंगी अब, क्योंकि पंजीरी में बहुत टाइम लगता है वैसे तो, लेकिन मन भी कर रहा नहीं भी। हाँ बेटा, क्या चाहिए आपको? ये लो, ये ले लीजिए नरम, इसकी हो यार। तो ये बच्चों की काशी के लिए ला रखी थी अब, लेकिन खा लिया है बोतल, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि ये खेल लेगा।
हाँ बेटा देखो खोलने लग रहा है, निकालो निकाल दे, इसमें डाल लो रख दो। तो इधर मैंने कढ़ाई में चढ़ा लिया था दूध, और अब मैं निकालती हूँ इसका मावा। सबसे पहले थोड़ा ही है दूध, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए भी रख लिया था मैंने, इनको भी पिलाना जरूरी है, और दोनों बच्चे ही दूध पीते हैं। हाँ बेटा, हाँ क्या लेना, पानी पियोगे? मैं देंगी अपने आप, अभी दे रही। तो ये जला दूँ पहले? तो चलो जी मावा निकाल लेंगे अब हम। तो जी गैस मैंने जला दिया है, और एक किलो दूध हो गए ऐसे लग रहा थोड़ा सा। इसका मावा निकालने के बाद मिलते हैं, अभी जब रबड़ी सी बन जाएगी ना तब दिखाएंगे, अभी तो ये रखा है गर्म भी होगा और उसके बाद बनेगी रबड़ी। तो जी रविया के पापा जी ले आए हैं मेरे लिए खाने के लिए केले और पेठे की मिठाई, क्योंकि मेरा बर्थ है ना इसीलिए, और आज मैं अपने लिए बना ली गई। और आज खाने में बनाऊंगी इनके लिए आलू और बैंगन, बैंगन लेके आ गए थे। तो चलो जी इधर सब्जी कटिंग करती हूँ, और इधर धीरे धीरे होता रहेगा दूध। तो ये देखो जी हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि दूध ही थोड़ा था, और आज एक भैंस ने दिया था दूध, तो बच्चों के लिए पहला बचा मैंने, और ये मेरे लिए बहुत है, थोड़ा मावा बन जाओ मतलब वो बन जाओगे ना पेड़े, तो बर्त में खा लूंगी मैं। अब बनाएंगे खाना। मम्मी केले केले अभी दे रही हूँ।